हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो बॉयज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का आपका पबजी क्वेश्चन दे देता हूँ। सो गाइज, नीचे आपको कमेंट में सोल रेगोल्टॉस का रियल नाम लिखना है, और गाइज जो भी इसका सही आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सो बॉयज, अपनी पहली न्यूज़ आ रही है टीम सोल और साइल्ड्स की तरफ से। सो गाइज, कुछ दिन पहले जब गॉड लाइक हस्तर अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो उन्होंने स्क्रीम्स के दौरान जब प्लेन में थे तो उन्होंने ऑल चैट ऑन करा, तो उसमें उन्होंने सुना कि कोई बंदा सोल को ट्रोल कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी चैट में। सो बॉयज, जो भी ये बंदा ट्रोल कर रहा था उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी सेल्स रॉक्स की तरफ से, जो सेल्स के आईजीएल हैं। सो गाइज, पहले आप ये क्लिप देख लो। सो बॉयज, जैसा कि आपने देखा कि प्लेन सोल वाइपर का था और कोई बंदा सोल को कंटिन्यूअसली ट्रोल कर रहा था ऑल चैट पे। और गाइज, बहुत सारे लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि ये बंदा सेल्स रॉक्स है, बट सेल्स रॉक्स ने इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये क्लियर कर दिया कि वो ये बंदा नहीं था और वो ट्रोल नहीं कर रहे थे। ये आवाज़ उनके जैसे दिख रही थी, उनके जैसे मिल रही थी, बट ये वो नहीं थे। सो गाइज, आप देख लो सेल्स रॉक्स ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या अपलोड करा। सो बॉयज, आपने जैसा कि देखा कि सेल्स रॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम पे क्लेरिफाई कर दिया कि वो ये बंदा नहीं था और ये बंदा कोई और था जो ट्रोल कर रहा था। और गाइज, इस रिगार्डिंग 8bit गोल्डी ने भी ये क्लियर किया कि ये बंदा सेल्स रॉक्स नहीं था और उनको हेट ना देने। गाइज, इस रिगार्डिंग सेल्स रॉक्स को काफ़ी ज़्यादा हेट आ रहा है उनके इंस्टाग्राम। गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सेल्स रॉक्स नहीं थे, ये कोई और बंदा था। और अगर आपको गाइज इसके बारे में कुछ भी और पता है, कोई भी और डिटेल पता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सो बॉयज, नेक्स्ट न्यूज़ बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे गेमिंग चैनल पे 114 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो गाइज, इस वीडियो कोई भी देख रहा है तो जाके 150 कर देना, कोई भी 36 बंदा जाके सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। वहाँ पे गाइज मैं पीसी गेम्स की लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और गाइज जो पीछे बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है वो भी मेरा ही है। सो गाइज, आ जाना यार मेरी लाइव स्ट्रीम पे, मजा करेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मैक्सटन और किंग एनब्रू की तरफ से। सो गाइज, दोनों के बीच में कुछ इशूज़ क्रिएट हो गए हैं। सो गाइज, मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैटर क्या है। सो गाइज, कुछ महीने पहले किंग एनब्रू और मैक्सटन ने ये डिसीजन लिया था कि वो वापस से कॉम्पिटेटिव पबजी मोबाइल। सो गाइज, अभी मैक्सटन ने आज इंस्टाग्राम पे ये अपलोड करके ये बताया कि उन्होंने किंग एनब्रू को अपनी स्क्वाड से निकाल दिया। और गाइज, उन्होंने किंग एनब्रू को निकालने का रीज़न ये बताया कि किंग एनब्रू ने उनसे कुछ गलत बोला हो। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्या अपलोड करा। और गाइज, मैक्सटन ने यह बताया कि वो टीम के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्होंने पहले से बोरस प्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कास्टिंग का। सो गाइज, वो उनका काफ़ी सारा टाइम कास्टिंग और बाकी सारे शेड्यूल्ड इवेंट्स में चला जाता था, इसलिए वो टीम के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। और गाइस, जहां तक बात रही किंग एनब्रू की, तो उन्होंने पावर हाउस को ज्वाइन कर लिया है। वो पावर हाउस की टीम के मेंबर बन चुके हैं अब, और वो आगे कॉम्पिटिटिव पबजी मोबाइल कंटिन्यू करने वाले हैं। और गाइस, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर देना यार, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्काउट की तरफ से। उन्होंने आज सुबह सुबह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट करके ये बताया कि उन्होंने काफी सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पे। सो गाइज, स्काउट ने बेसिकली TSM एंटिटी के और फ्नैटिक के प्लेयर्स को अनफॉलो करा है, और इसका रीज़न देते हुए उन्होंने ये बोला कि ये किसी पर्सनल रीज़न से उन्होंने अनफॉलो करा है, किसी को भी बुरा लगने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। और बॉयज, अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है कि स्काउट ने इन लोगों को क्यों अनफॉलो करा या कोई भी रीज़न पता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगा और श्योरली आई लुक मोर इन टू दिस। गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक तो कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गेमिंग चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो। गाइज, 150 सब्सक्राइबर्स आज हिट कर देने। बाय बाय। We'll be right back.